जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं महावीर जयंती पर महावीर स्वामी की प्रेरक कहानी। निर्धन ब्राह्मण महावीर मुक्ति पथ पर दृढ़ कदमों से बढ़े जा रहे थे, तभी पीछे से उन्हें एक करुड़ पुकार सुनाई दी। उनके कदम ठिठक गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक दुर्बल ब्राह्मण लाठी के सहारे गिरता पड़ता दौड़ा आ रहा था। कुछ पल बाद ही वह महावीर के कदमों में आकर गिर पड़ा। उसकी आँखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर लड़खड़ाती जुबान से वह बोला, मेरी सहायता कीजिए राजकुमार वर्धमान, मुझे कुछ दीजिए, मेरी निर्धनता दूर कीजिए। वह बूढ़ा ब्राह्मण सोम शर्मा था, जो प्रायः उनसे दान दक्षिणा लेने आता रहता था। वे भी आवश्यकता अनुसार उसकी मदद करते रहते थे। उसकी हालत देखकर महावीर सहानुभूति से द्रविड़ होते हुए, लेकिन आज देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तभी उन्हें कंधे पर पड़े हुए दिव्य वस्त्र का ध्यान आया। उन्होंने उसे आधा फाड़कर सोम शर्मा को दे दिया। वह खुशी से भर उठा और उसे एक जौहरी के पास ले गया। जौहरी उसे देखकर बोला, इसका आधा भाग कहाँ है? यदि तुम वह हिस्सा भी ले आओ तो मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। लालच में डूबा ब्राह्मण वापस महावीर के पीछे भागा और जहाँ जहाँ वे गए उनका पीछा करता रहा। लगभग 1 साल बाद महावीर के कंधे से कपड़े का वह टुकड़ा गिरा तो सोम शर्मा उसे ले भागा और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। ग्वाले की क्षमा याचना। एक दिन संध्या के समय महावीर गांव के निकट पहुँचे तो वहाँ एक वृक्ष के नीचे निश्चल खड़े होकर ध्यान करने लगे। तभी एक ग्वाला अपनी कुछ गायों को लेकर वहाँ आया और उन्हें संबोधित करके बोला, हे मुनि, मैं गांव में दूध बेचने जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक मेरी गायों का ध्यान रखना। इतना कहकर उनका जवाब सुने बिना वह वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद वह लौटा तो देखा कि महावीर स्वामी ज्यों के त्यों खड़े हैं, लेकिन गायें वहाँ नहीं हैं। उसने पूछा, मुनि, मेरा पशुधन कहाँ है? महावीर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इधर उधर देखते हुए वह जंगल में घुस गया और पूरी रात वहाँ अपनी गायें तलाश करता रहा। इसी बीच गायें चरकर लौट आई और महावीर को घेर कर बैठ गई। सुबह थका मादा ग्वाला लौटा तो गायों को वहाँ देखकर आग बबूला हो उठा, इस मुनि ने मुझे तंग करने के लिए मेरी गायों को छिपा दिया था, अभी इसकी खबर लेता हूँ। यह कहकर उसने गायों को बांधने वाली रस्सी अपने कमर से खोली और महावीर पर वार करने को हुआ। तभी एक दिव्य पुरुष ने वहाँ प्रकट होकर उसे रोक लिया। ठहरो मूर्ख, यह क्या अपराध करने जा रहे हो? तुम बिना इनका उत्तर सुने अपनी गायें इनकी रखवाली में छोड़ कर गए, अब पूरी गायें पाकर भी इन्हें दोष दे रहे हो। मूर्ख, ये भावी तीर्थकर हैं। यह सुनकर ग्वाला महावीर के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करके वहाँ से चला गया। सूलपाड़ी का उद्यान। घूमते हुए महावीर बेगवती नदी के किनारे स्थित एक उजाड़ गांव के निकट पहुँचे। गांव के बाहर एक टीले पर एक मंदिर बना हुआ था। उसके चारों ओर हड्डियों वाला कंकालों के ढेर लगे थे। महावीर ने सोचा, यह स्थान उनकी साधना के लिए ठीक रहेगा। तभी कुछ ग्रामीण वहां से गुजरे और उनसे बोले, यहाँ अधिक देर मत ठहरो मुनिराज, यहाँ जो भी आता है उसे मंदिर में रहने वाला दैत्य सूलपाड़ी चट कर जाता है। ये हड्डियाँ ऐसे ही अभागे लोगों की हैं,
यह गांव कभी भरा पूरा हुआ करता था, उस दैत्य ने इसे उजाड़ कर रख दिया है। यह कहकर ग्रामीण तेज कदमों से वहां से चले गए। महावीर ने ग्रामवासियों के मन का भय दूर करने की ठानी और उस मंदिर के प्रांगण में एक स्थान पर खड़े होकर ध्यान करने लगे। जल्दी ही वे अंतर केंद्रित हो गए। अंधेरा घिरते ही वातावरण में भयंकर गुर्राहट गूंजने लगी। हाथ में भाला लिए सूलपाड़ी दैत्य वहां प्रकट हुआ और महावीर को सुलगते नेत्रों से घूरते हुए भयंकर क्रोध से गुर्राने लगा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसे भयभीत हुए बिना उसके सामने खड़े होकर एक ही मानव ध्यान साधना में लीन था। वह मुंह से गड़गड़ाहट का शोर करते हुए मंदिर की दीवारों को हिलाने लगा, लेकिन महावीर मुनि न तो भयभीत हुए न ही उनकी तंद्रा टूटी। अपने छल बल से सूलपाड़ी ने वहां एक पागल हाथी प्रकट किया। वह महावीर को अपनी पैनी सूंड चुभोने लगा, फिर उन्हें उठाकर चारों ओर घुमाने लगा। जब महावीर पर कोई प्रभाव न पड़ा तो वहां एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। वह तीखे नख और दांतों से उन पर प्रहार करने लगा। अगली बार एक भयंकर विषधर उन पर विष उगलने लगा। इतने पर भी महावीर ध्यान मग्न रहे तो सूलपाड़ी भाले की नुकीली नोक उनकी आँखों, कान, नाक, गर्दन और सिर में चुभोने लगा, लेकिन महावीर ने शरीर से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर लिया था, अतः उन्हें जरा दर्द का अनुभव नहीं हुआ। यह सहनशीलता की पराकाष्ठा थी जो केवल तीर्थकर में ही हो सकती थी। सूलपाड़ी समझ गया कि वह मनुष्य निश्चित ही कोई दिव्य प्राणी है। वह भय से थर्राने लगा। तभी महावीर के शरीर से एक दिव्य आभा निकलकर दैत्य के शरीर में समा गई और देखते ही देखते क्रोध पिघल गया, गर्व चूर चूर हो गया। वह महावीर के चरणों में लूट गया और क्षमा मांगने लगा। महावीर ने नेत्र खोले और उसे आशीर्वाद देते हुए कौड़ापूर्ण स्वर में बोले, सूलपाड़ी, क्रोध से क्रोध की उत्पत्ति होती है और प्रेम से प्रेम की। यदि तुम किसी को भयभीत न करो तो हर भय से मुक्त रहोगे, इसलिए क्रोध की विषबेल को नष्ट कर दो। सूलपाड़ी के नेत्र खुल गए, उसका जीवन बदल गया। उन्मत्त हाथी। राजा सिद्धार्थ की गजशाला में सैकड़ों हाथी थे। एक दिन चारे को लेकर दो हाथी आपस में भिड़ गए। उनमें से एक हाथी उन्मत्त होकर गजशाला में भाग निकला। उसके सामने जो भी आया वह कुचला गया। उसने सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिए, घरों को तहस नहस कर डाला और आतंक फैलाकर रख दिया। महाराज सिद्धार्थ के अनेक महावत और सैनिक मिलकर भी उसे वश में नहीं कर सके। वर्धमान को यह समाचार मिला तो उन्होंने आतंकित राज्यवासियों को आश्वस्त किया और स्वयं उस हाथी की खोज में चल पड़े। प्रजा ने चैन की सांस ली, क्योंकि वर्धमान की शक्ति पर उन्हें भरोसा था। वह उनके बल और पराक्रम से भली भांति परिचित थे। एक स्थान पर हाथी और वर्धमान का सामना हो गया। दूर से हाथी चिघाड़ता हुआ भीषण वेग से दौड़ता चला रहा था, मानो उन्हें कुचल कर रख देगा। लेकिन उनके ठीक सामने पहुंचकर वह ऐसे रुक गया मानो किसी गाड़ी को आपातकालीन ब्रेक लगाकर रोक दिया गया हो। महावीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए मीठे स्वर में कहा, हे गजराज, शांत हो जाओ। अपने पूर्व जन्मों के फलस्वरूप तुम्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी तुम हिंसा का त्याग नहीं करोगे तो अगले जन्म में नर्क की भयंकर पीड़ा सहनी होगी। अभी समय है अहिंसा का पालन कर तुम अपने भावी जीवन को सुखद बना सकते हो। वर्धमान के उस उपदेश ने हाथी के अंतर्मन पर प्रहार किया।
उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने सूर उठाकर उनका अभिवादन किया और शांत भाव से गतशाला की ओर लौट गया। हृदय परिवर्तन पुस्तालावती नामक देश के एक घने वन में भीलों की एक बस्ती थी। उनके सरदार का नाम पुरुरुआ था, उसकी पत्नी का नाम कालिका था। दोनों वन में घात लगाकर बैठ जाते और आते जाते यात्रियों को लूटकर उन्हें मार डालते, यही उनका काम था। एक बार सागरसेन नामक एक जैनाचार्य उस वन से गुजरे तो पुरुरुआ ने उन्हें मारने के लिए धनुष तान लिया। जब ही वह तीर छोड़ने को हुआ, कालिका ने उसे रोक लिया। स्वामी, इनका तेज देखकर लगता है एक कोई देव पुरुष है। ये तो बिना मारे ही हमारा घर अनधन से भर सकते हैं। पुरुरुआ को पत्नी की बात जच गई। दोनों मुनि के निकट पहुँचे तो उनका दुष्टवत व्यवहार स्वयं शांत हो गया और वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। मुनि ने अवधि ज्ञान से भाप लिया कि वह भील ही 24वीं तीर्थकर के रूप में जन्म लेने वाला है, अतः उसके कल्याण हेतु उन्होंने उसे अहिंसा का उपदेश दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने को कहा। भील ने उनकी बात को गांठ में बांध लिया और अहिंसा का व्रत लेकर अपना बाकी जीवन परोपकार में बिता दिया।